पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी सम्मिलित थे, जिनसे यातायात के सुगम संचालन के संबंध में विचार किया गया एवं चौराहे पर हो रहे जाम की समस्या पर उनसे अनुभव साझा किया गया तथा जाम से निपटने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसके संबंध में यातायात पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आईटीएमएस के कुशल संचालन हेतु उनके कर्मचारियों द्वारा ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया गया तथा ट्रैफिक सीओ, टीआई व टीएसआई एवं सभी एचसी व आरक्षी आईटीएमएस के कर्मचारी के साथ यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित चलाने के लिए यह मीटिंग ली गई, जिसमें हर छोटी बड़ी समस्याओं का एक दूसरे से साझा किया गया तथा उसके निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को चिट्ठी बनाकर उन्हें अवगत कराया गया और सभी विभाग की समस्याओं का निस्तारण कर ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद कर सके। इस बैठक में क्षेत्राधिकारी यातायात जेपी सिंह, यात्रा निरीक्षक मनोज कुमार, विनोद कुमार तथा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, तो हम लोग फिर जनरल बात करते हैं, पहले एजेंडा के साथ मैंने हम लोगों के लिए बताइए कि पहला पॉइंट ये बताया जाए कि जाम किस किस स्थान पे लगता है शहर में, पूरे शहर में और एक तरफ से चला जाए। गोरखपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुचारू बनाने के लिए सभी प्रबुद्ध लोगों का सहयोग लिया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं, चाहे व्यापारिक संगठन हो, चाहे चिकित्सा एसोसिएशन हो या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, पत्रकार बंधु हो, जो भी पुराने अनुभवी और प्रबुद्ध लोग हैं, उन सभी का सहयोग लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे ट्रैफिक में जो पहले से पुराने कर्मी कार्य कर रहे हैं, इनके भी सुझाव हमने आमंत्रित किए हैं ताकि इनके अनुभवों का फायदा लेकर शहर को एक बेहतर व्यवस्था दी जा सके। इस मीटिंग में हमने आईटीएमएस के लिए और एआरटीओ और नगर निगम को भी आमंत्रित किया है। इनके सभी के सहयोग से एक बढ़िया व्यवस्था देने के लिए ये मीटिंग आयोजित की गई है।